वन महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण अभियान का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत जनपद में भी वृहद वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि जनपद में 50 लाख पौधरोपण का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन 70 लाख पौधे लगवाने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी ने कहा कि 4 जुलाई को विशेष अभियान चलाकर कोविड में अपनी जिंदगी गंवा चुके लोगों के लिए स्मृति वन के तहत पौधरोपण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य लगावे और स्वच्छ पर्यावरण में अपना सहयोग दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, जी आज 1 जुलाई से हम लोग वृक्षारोपण अभियान पूरा प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, गोरखपुर में भी प्रारंभ किए हम लोग। हर साल हमारा लक्ष्य के ऊपर ही हम लोग अचीव करते हैं, इस बार भी हम लोग 50 लाख का लक्ष्य मिला है, हम तो 70 लाख के आसपास हम कराने के लिए लक्ष्य हम लोग निर्धारित किए हैं। वैसे पूरे प्रदेश में इस बार करोड़ में तो वृक्ष लगाने के लिए अभियान था। मैं सबसे अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, इस समय में जो भी वृक्ष लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा है और बरसात के साथ साथ उसका अच्छा रखवाली हो जाता है, अच्छा सा सर्वाइवल रेट हो जाता है। अब सबसे अनुरोध करता हूँ, कम से कम 1 वृक्ष आपके नाम से ज़रूर इस बार लगा दीजिए। इस बार हम लोग 4 तारीख को एक विशेष अभियान भी चलाएंगे, ताकि कोविड में बहुत लोग अपने कुर्बानी दिए हैं, खासतौर पर जो हमारे कर्मचारी है, जो डॉक्टर लोग हैं और जो कितने स्वास्थ्य कर्मचारी लोग हैं और उसका सुरक्षा में दृष्टिगत जो कितने कर्मचारी सभी लोग हैं, उसके अलावा जो आम जनता लोग भी बहुत सारे लोग का जान गई है, उसके लिए स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है, यानी स्मृति वन के रूप से हम लोग कुछ जगह का विकसित करेंगे। आप लोग भी किसी के याद में वृक्ष लगाने चाहते हैं तो वहाँ आकर के लगा सकते हैं। और दूसरा हर्बल गार्डन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, खासतौर पर जो वृक्ष है उससे फ़ायदा आपको मिलेगा, जो आयुष मंत्रालय ने भी रिकमेंड करते हैं, खासतौर पर कोविड के समय में जो गिलोई और तुलसी इसी टाइप का जो पत्ता जो वो उसका वृक्ष का प्रयोग करने में काफ़ी इम्यूनिटी का फ़ायदा मिलता है, उसी का भी बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक हर्बल गार्डन डेवलप कराने जाते हैं। ये दोनों चीज़ इस बार स्पेशल थीम के रूप से रहेगा। बाकी सबसे अनुरोध है, ज़रूर आप 1 वृक्ष कम से कम आपके नाम से लगा दीजिए, जो आपके जाने माने लोग जो जान दिया कोविड में उन्हीं के याद में भी 1 वृक्ष लगा दीजिए, ताकि उनका आत्मा शांति मिले उनको।